सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को टेक्निकल वाइट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में एक हिडन फोल्डर बना सकते हो, मतलब कि एक ऐसा फोल्डर जो आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर ही हो लेकिन कोई भी दूसरा यूजर उस फोल्डर को नहीं देख पाए और आप सिर्फ उस जगह पर एक क्लिक करके उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप इस तरह के फोल्डर अपने कंप्यूटर में बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे बना सकते हो, आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हिडन फोल्डर है आप अपने कंप्यूटर के कहीं किसी भी भाग में बना सकते हैं, आप अपने किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पर हिडन फोल्डर बनाकर दिखाऊंगा। तो डेस्कटॉप हिडन फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है नॉर्मल में एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे फोल्डर के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो इस फोल्डर का नाम देना है उसमें आपको कीबोर्ड से ऑल्ट को कॉल ऑल्ट की को प्रेस किए हुए रहना है और आपको फिर 255 प्रेस करना है। तो ऑल्ट की को प्रेस किए हुए रहना है और उसके साथ आपको 255 की को प्रेस करना है और उसके बाद आपको इसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक बिना नाम का फोल्डर हमारा बन चुका है। अब हमें इस फोल्डर को हिडन करना है, तो इसके लिए हमें जो है इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे चेंज आइकॉन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे से स्लाइड करते हुए एक आपको प्लेन जगह मिलेगा, खाली जगह मिलेगा, बिना दिखने वाला लोगो मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिना दिखने वाला यहाँ पे तीन लोगो है, इसमें से हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई करना है और फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो फोल्डर क्रिएट किया था वो हिडन हो चुका है और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हम अगर अपने माउस के एरो को यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस पर अगर आप इस जगह पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये फोल्डर ओपन हो जाता है जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट रखता हूँ लेकिन ये आपको जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगा और जब आप इस जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो ही ये फोल्डर खुलेगा, बट ये फोल्डर आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में कोई भी हिडन फोल्डर बना सकते हैं। तो ये फोल्डर जो है आप अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में भी बना सकते हैं या आप कहीं भी इस तरह के फोल्डर को यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप एक हिडन फोल्डर बना सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने डेस्कटॉप पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।